कर लिया मैं मिस। आप बना रही थोड़ी सी बनाओ। बना चल। चल। यहाँ से फोकस कर। हेलो दोस्तों, आज हम बनाने वाले हैं छोले भटूरे के लिए छोले रेसिपी। तो आइए चलिए बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम कढ़ाई को रखेंगे, कढ़ाई को गर्म करेंगे, फिर उसमें बड़ा चम्मच ऑयल, यहाँ पर हम सरसों का तेल इस्तेमाल कर रहे हैं, आप चाहें तो रिफाइंड ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अब इस ऑयल को हम गर्म होने देंगे। तो हमारा तेल गर्म हो चुका है, अब हम इसमें तड़का लगाते हैं। ये मैंने दो पत्ते लिए हैं, थोड़ा सा जीरा, दो चार काली मिर्च और दो लाल मिर्ची, इसको थोड़ा गर्म होने देंगे। इसको गर्म होने के बाद अब हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट और प्याज का पेस्ट डालेंगे। इसमें हमने प्याज और मतलब टमाटर और हरी मिर्ची भी काट के रखी हुई है। इसको थोड़ी देर हम भून लेंगे चला के। थोड़ी देर भूनने के बाद अब हम इसमें मसाला ऐड करना शुरू करते हैं। स्वाद अनुसार इसमें मिर्ची डालेंगे, लाल मिर्ची, जितना भी आप तीखा खाना चाहें उतना आप रख सकते हैं। एक चम्मच हल्दी, दो चम्मच धनिया और थोड़ा सा इसमें नमक, ठीक है। अब इसको हम मिलाएंगे अच्छे से। नमक हमने कम ही डाला है क्योंकि हम जो पानी इस्तेमाल करने वाले हैं उसमें भी पहले से नमक है जब हमने छोलों को उबाला था। जब ये साइड से ऐसे तेल छोड़ने लग जाए तब हम इसमें थोड़ा सा चना मसाला डालेंगे, दो चम्मच चना मसाला डालने के बाद इसको फिर हिलाएंगे। ये हमारा मसाला भून के तैयार हो चुका है। अब हम इसमें अपने छोलों को ऐड करेंगे। छोले ऐड करने के बाद इस्तेमाल करेंगे जो हमने उबालते वक्त यूज किया था, हमने पत्ती उबाल के डाल के उबाले थे तो इस वजह से ये ऐसा थोड़ा काला दिखाई दे रहा है। अब इसको हम हिला लेंगे। जिस पानी में हम छोले उबालते हैं अगर उस पानी का इस्तेमाल करें तो छोले और भी ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। थोड़ा सा पानी और ऐड करेंगे इसमें। अब इसको हम पकने देंगे। हाँ तो देखिए दोस्तों, हमारे छोले बनकर तैयार हैं। हम इसमें हींग डालना भूल गए थे तो मैंने हींग अभी बीच में ऐड किया था। अब लास्ट में हम थोड़ा सा इसमें एक चम्मच ये आमचूर पाउडर डालेंगे, आमचूर पाउडर एक चम्मच, और इसको अच्छे से हिलाएंगे। पकड़ के हिलाते हैं, गिर जाएगा उनमें ये। अब ये आमचूर पाउडर डालने के बाद इसको थोड़ी देर दो मिनट के लिए उबाल लेंगे।
दो मिनट को पकाने के बाद ये छोले हमारे बनकर तैयार हैं। तो हमारे छोले तो बनकर तैयार हैं, अब हम भटूरे बनाएंगे। भटूरे के लिए हम कढ़ाई को रखते हैं, इसको सूखने देंगे, फिर इसमें तेल डालेंगे। कढ़ाई हमारी गर्म हो चुकी है, अब इसमें हम डालेंगे अपना रिफाइंड ऑयल। चलिए अब हम भटूरे के लिए लोई तोड़ लेते हैं। लोई तोड़ के फिर इनको हम बेलेंगे। ये देखिए हमारा सेरू है, ये तो हमारे भटूरे बनके तैयार हैं। यहाँ पे अब इनको फ्राई कर लेते हैं। तो इनको हम ऐसे ही दबा दबा के सेक लेंगे और दोनों तरफ से अच्छे गोल्डन कलर आने तक सेकेंगे। तो देखिए हमारा भटूरा एकदम फूला फूला बनकर तैयार है। इसी तरीके से हम सब भटूरों को, चलिए प्लेटिंग करते हैं अपनी हम शुरू। एक बॉल में छोले निकाल लेंगे। छोलों को थोड़ी गार्निशिंग कर देंगे, इस पे कटा हुआ जूलियन यानी कटा हुआ प्याज, बारीक कटा हुआ प्याज डाल देंगे। अब थोड़ा सा बारीक कटा हुआ प्याज, थोड़े से खीरे, थोड़ा सा कचालू जो हमने बनाया हुआ है, थोड़ा सा आम का अचार। और हमारे गरम गरम भटूरे। तो देखिए दोस्तों तैयार हैं। तो कैसे लगे आपको हमारी रेसिपी, प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। और अगर हमारी रेसिपी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच।